देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। नमस्कार, मेरे बीता MNS न्यूज लैब में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जीजा साली में चल रहा था प्रेम प्रसंग, पति ने किया विरोध तो उठाया ऐसा खौफनाक कदम। खटीमा सितारगढ़ क्षेत्र में बीते 14 नवंबर को एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले को खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके पति और महिला की बहन ने किया है। रिश्ते में जीजा और साली के प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक सितारगंज क्षेत्र में कटकारी गांव में रहने वाले मृतका के पिता रियाज अहमद ने सितारगंज थाने में बेटी की हत्या का शक उसके पति पर जताते हुए तहदीद की थी। मामले में पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज छानबीन शुरू की थी, जिसमें जांच के दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आए है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हिमांशु चा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यासीन के पति मृतका यासीन के पति शाबाद और मृतका की बहन अमरीन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते जीजा और साली ने मिलकर यास्मीन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने यास्मीन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण उन्होंने यास्मीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही न्यायालय ने पेश कर जेल भेज दिया गया है। तैयार है हीरो भाई, आ जा। तब तक शेड्यूल से अरे बना लेना सर, एक नियम है बता दो, तुम्हारे पास है आप कर लेना। ये खटंगरी में आबादी ने 304B की तहरीर दी थी कि जो मुकदमा आबादी थे रियाज अहमद कि उनकी जो बेटी है यास्मीन उसको जहर देके उनके सादाब जो उसका पति था उसने दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे हत्या कर दी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर